आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है कर्ब। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये पेवमेंट है और ये आपकी शोल्डर है, फुटपाथ। ये येलो कलर से आप कर्ब देख रहे हैं, ये है आपका हिस्सा कर्ब और ये है ड्रेनेज। ये वी शेप में ड्रेनेज प्रोवाइड की गई है। तो कर्ब कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस है रोड की, ठीक। अब यहाँ से हिस्सा इसका रेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोई पत्थर या कंक्रीट ब्लॉक प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी हाइट होती है 15 सेंटीमीटर, और ये आपका इसको फुटपाथ बना देते हैं। ये जो शोल्डर है इसको बना देते हैं फुटपाथ। तो अब ये 15 सेंटीमीटर की हाइट हम लोग दे दिए, ये आपका हो गया कर्ब। ये हो सकता है पत्थर हो सकता है या कंक्रीट ब्लॉक हो सकता है। अब इससे कर्ब का ये फ़ायदा है कि जो गाड़ियाँ चलेंगी रोड पे वो फुटपाथ पे नहीं चढ़ेंगी, और साइड में ड्रेनेज भी प्रोवाइड कर देते हैं जिससे बारिश का पानी यहाँ से निकल जाए। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं ये आपका फुटपाथ, ये आपका कर्ब है, ये आपका चैनल है जहाँ से बारिश का पानी आसानी से निकल जाए, और ये आपका पेवमेंट। और हम लोग को कर्ब अगर प्रोवाइड करना हो ब्रिज पे, पुल पे, तो जो इसकी हाइट है, हाइट ऑफ कर्ब, वो हम लोग लेते हैं 23 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक, तब इसे कहते हैं व्हील गार्ड। आज का ये लेक्चर था कर्ब। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू।